सरफराज खान ने खेला दिल स्कूप, देखते रह गए गेंदबाज बेन स्टॉक्स। नमस्कार, आईपीएल 2019 के चौथे मुकाबले राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में पहले बल्लेबाज करते हुए किंग्स इलेवन के लिए क्रिस गेल और सरफराज खान का बल्ला जमकर बोला। पंजाब की टीम ने इस मैच में नंबर 4 पर युवा बल्लेबाज सरफराज खान को मौका दिया। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद बल्लेबाज करने आए सरफराज ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने अंतिम ओवर में दूसरी गेंद पर दिल्ली स्कूप खेला। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे बेन स्टॉक्स की गेंद को उन्होंने सिर नीचे करते हुए विकेट कीपर के ऊपर से 4 रनों के लिए खेल दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम पहले 9 ओवर में सिर्फ 61 रन ही बना पाई थी। राहुल और मयंक पवेलियन भी लौट चुके थे, लेकिन उसके बाद क्रिस गेल और सरफराज खान ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 42 गेंद में 84 रनों की साझेदारी बनाई। क्रिस गेल भले ही 79 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सरफराज अंत टिके और 29 गेंद में 46 रनों की शानदार पारी खेली। किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले ही बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 184 रन बनाए और राजस्थान को सीजन का पहला मैच जीतने के लिए 185 रनों की जरूर होगी। टीम के पास बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन इसके बावजूद लक्ष्य मुश्किल साबित हो सकता है। राजस्थान की टीम में स्टीव सिमथ की वापसी हुई है। वह पिछले साल बैन की वजह से टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इस सीजन में उन पर सभी की निगाहें होगी। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे और जॉस बटलर पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक को शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।